सबसे पहली तथागत भगवान बुद्ध और नारी को सम्मान दिलाने वाले संविधान के रचयिता बाबा साहब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साहब काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक साहब काशीराम जी को नमन करती हूँ। चार चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और मंच पर सभी सम्मानित पदाधिकारीगण सीपी सिंह गुरु जी सुरेंद्र चौधरी जी महेंद्र प्रताप जी और यहाँ पर उपस्थित बहन जी के सम्मान में आए हुए सभी सदस्यों को बहन जी के 62वें जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहन जी के कार्यों का उल्लेख करना वैसे तो शब्दों में आसान नहीं है, लेकिन बहन जी ने जब भी जब जब उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली तब तब नई मिसालें कायम की। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर योजना बनाई, उस योजना के अंतर्गत जो जो गांव आए उन्होंने उन्हें चकाचौंध कर दिया, आरसीसी की सड़कें बनवाई और बड़े स्तर पर उनका विकास किया। उत्तर प्रदेश का एक राज्य ऐसा भी था जहां पर राजा भैया का हुक्म चलता था, वहां के कलेक्टर पुलिस अधिकारी सब उनसे डरते थे, किसी की उनसे हिम्मत नहीं होती थी कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। और तो और 1995 से पहले जो भी मुख्यमंत्री था किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो राजा भैया के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सके। तब हमारी बहन जी मायावती मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने राजा भैया को सही जगह दिखाई और दुनिया को उनके जुर्मों से मुक्त किया, उन्हें जेल भिजवाया। भगवान बुद्ध से मेरी यही प्रार्थना है कि बहन जी पीएम बने और भ्रष्टाचारी नेताओं से इस देश को आजादी दिलाएं। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।